चेन्नई और दिल्ली के मैच के बाद आइए आपको पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। चेन्नई जीत गई है, उसके चलते चेन्नई और गुजरात प्लेऑफ्स में पहुंचने के बहुत करीब है। वहीं अगर बात करें आज के मैच की तो कोलकाता और राजस्थान के बीच में मैच है और दोनों टीमों में से जो भी जीतेगा वो मुंबई इंडियंस की जगह तीसरे नंबर पर आ जाएगा। हालांकि जीतने के बाद भी पॉइंट्स जो है 12 ही रहेंगे, लेकिन रन रेट बेहतर होने की वजह से जो टीम आज जीतती है उसको थर्ड पोजीशन मिलेगी। वहीं अगर दिल्ली की टीम की बात करें तो वो ऑलमोस्ट इस सीजन से बाहर हैं, वो दूसरी टीमों पे डिपेंडेंट हैं। अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो शायद दिल्ली की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं। वहीं अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो अगर वो अपने बचे हुए मैचेस जीतते हैं तो वो फिर प्लेऑफ में पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी उनके 11 मैचों में 11 पॉइंट्स हैं। बाकी अभी तक जो पॉइंट्स टेबल का हाल है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और कोई भी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। आप क्या चाहते हैं, कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचे ही पहुंचे और कौन सी टीम इस आईपीएल का सीजन जीते, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।